2024 आने में 100 से भी कम दिन बचे हैं, तो एक बार देख ले कि 2024 में वो कौन से ट्रेंड्स आने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और कैसे हमें उसके लिए तैयार होना है। इस वीडियो में घुसने के पहले बता दूं कि ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जैसा लगता है वैसा मैं बता रहा हूँ। इसमें से कई सारी चीजें मैंने पहले भी प्रिडिक्ट की थी और अब वो सच हो गई है, तो मैं उन पे भी डबल डाउन करूंगा और जो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था उस टाइम उनकी भी थोड़ी टांग खींचूंगा। 2024 के लिए सबसे पहला प्रेडिक्शन है कि रिमोट वर्क खत्म होने वाला है। देखिए, चाहे वो ट्विटर हो या अमेज़न या कोई भी कंपनी, हर कोई आरटीओ यानी कि रिटर्न टू ऑफिस ऑर्डर ला चुकी है। कई सारी कंपनीज ने भी कहा था कि हम कभी भी अब लोगों को वापस नहीं बुलाएंगे, लेकिन सब कोई वापस बुला चुकी है। क्यों? देखो, जब कोविड चल रहा था ना, तो हर कोई पूरे टाइम घर पे रहता था, पूरे टाइम घर पे, और बंद करने को कुछ है नहीं, तो आप क्या करोगे? आप ढेर सारा काम करोगे ऑनलाइन, और उस समय डिमांड ऑफ वर्क भी बहुत ज्यादा थी, एकदम से बहुत ज्यादा स्केल आ गया था, तो हर कोई बहुत सारा काम कर रहा था। फिर क्या हुआ? फिर एकदम से दुनिया खुली, लोग बोले अरे कब से बंद थे, भागो भागो, पार्टी ये वो ट्रैवल सब चीज में वापस से अपटिक आया। तो लोगों ने क्या किया कि जॉब को थोड़ा सेकेंडरी कर दिया, बोला ऐसे भी हम कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो चलो यहाँ घूम के काम करते हैं, चलो वहां घूम के काम करते हैं, सावन झूम के काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है इसमें? प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो आपके वर्क आवर्स हैं, डिफाइंड आवर्स हैं, आप उसमें बैठना छोड़ देते हो, आप बीच में कभी ये कभी वो करने लगते हो, और उससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। हम बहुत बार बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी हमें ऐसे नहीं नापनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये है वो है, बट बहुत कम लोगों के लिए है फलाना ढिमकाना। असली में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको बैठ के ढेर सारा कोड लिखना ही पड़ता है, उसके लिए आपको कई सारे घंटे बैठने ही पड़ते हैं, लोगों से अवेलेबिलिटी मैच करनी होती है, पीआर रिव्यू करना होता है, कोलैबोरेशन करना होता है, और जब आप ये चीजें नहीं करते हो तो बहुत कम लोग, बहुत छोटी छोटी कंपनीज, अगेन एक्सेप्शंस होंगे जो रिमोट जॉब अच्छा कर रहे हैं, बट बड़ी कंपनीज वापस से सबको ऑफिस बुला ली क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि भाई घर में ये लोग काम कम करेंगे और हमारे पास कोई तरीका नहीं है इनकी प्रोडक्टिविटी मॉनिटर और मेजर करने का। इस चीज में मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था कि आपको रिमोट जॉब करना चाहिए या ऑफिस, तब भी मैंने ये कहा था कि भले अभी ट्रेंड रिमोट जॉब का है, लेकिन ऑफिस वाले जो लोग होंगे वो विन करेंगे क्योंकि ऑफिस में आप ज्यादा सीखते हो, ज्यादा ग्रो करते हो, और मैं अभी भी इस चीज में पूरी तरह से बिलीव करता हूं। दूसरा प्रेडिक्शन यह है कि सैलरी अब कम हो जाएगी। अब जब हम बोलते हैं कम हो जाएगी तो हमें डर लगता है कि अरे कम होगी मतलब, बट कम किसके लेवल से होगी? देखो, जब कोविड आया 2019 के बाद 2020-21 में बहुत अफरा तफरी पैसा मिला, कुछ मेरे ही बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको 15 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ ऐसे ऐसे पैकेजेस लग गए बहुत सारे ट्रेंड्स के कारण, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3-5-7 लाख के बीच में रहेगी, नहीं आती है तो 2-4 लाख के बीच में रहेगी, और आपको इससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं अपने हर वीडियो में कि करियर अच्छा है। अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक लुक्रेटिव करियर है, इसमें बहुत कुछ सीखने को है, ग्रो करने को, और सैलरी एट सम लेवल बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, सीनियर्स की सैलरी भी जो अफरा तफरी हो गई थी क्योंकि इतना सारा फंडिंग कट रहा था तो उतना सारा कैश बट रहा था, वो सब चीजें अब चली गई हैं, और अब जब रिसेशन ओवर होगा तो सैलरीज वापस से pre-2019 लेवल्स पे चली जाएंगी, सीनियर्स की भी और फ्रेशर्स की भी। तो उसके लिए रेडी रहिए, ये मत सोचिए कि नहीं मेरे उस फ्रेंड को तो उतनी लगी थी, मेरे उस दोस्त की इतनी लगी थी। अगर किसी की बहुत सैलरी लगी हुई है तो थोड़ा सा आपको डरना चाहिए क्योंकि आप फायर हो सकते हो। कंपनी जो है एक स्पाइक्ड सैलरी किसी की नहीं रखना चाहेगी, धीरे धीरे करके उन सब लोगों को बाहर निकालेगी और नए लोगों को लेके आएगी जो उससे 40% या 50% कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। अब इसमें सही क्या है गलत क्या है इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्योंकि यार देखो, बिजनेस है जिस तरह से चलता है, डिमांड सप्लाई के रूल से उस तरह से चलता है, ना कोई सैलरी सही है ना कोई सैलरी गलत है। आपको अगर करियर मिल रहा है और आपको इतने पैसे मिल रहे हैं कि आप मजे से जिंदगी जी सको, तो वो आपके लिए सही है। तीसरी चीज जिसके लिए आपको रेडी रहना है वो है कि वर्क लाइफ बैलेंस कम हो जाएगा। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब हमेशा से ये था कि आप 8-10 घंटे काम करो, वीकडे पे 5 दिन, वीकेंड आपको फ्री मिलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में वर्क लाइफ बैलेंस का एक दूसरा ही मतलब बन गया था। इसका मतलब हो गया था कि आप ऑफिस जाओ, मसाज कराओ, वीडियो बनाओ, हाय फ्रेंड्स, देखो यहाँ क्या खाना मिल रहा है, देखो 5 तरह के खाने हैं, 10 तरह की चीजें हैं, आप ऑफिस में ही बाल कटाओ, ऑफिस में पेडिक्योर कराओ, ऑफिस में सो जाओ, बहुत सारी चीजें। आपको मन करे तो काम करो, नहीं मन करे तो मत काम करो, ज्यादा काम हो गया तो एक दिन मेंटल डे ऑफ ले लो, ऐसे ऐसी चीजें। उफ, मतलब मैंने भी किया है ऐसा माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, बहुत आराम था। इतना आराम जब भी होगा तो फिर वो वापस टिल्ट होगा ही बैलेंस की तरफ। तो पेंडुलम जब इस तरफ जाता है तो इस तरफ गया तो अब सेंटर पे आएगा थोड़ी देर बाद। सेंटर पे ये होगा कि आप मेहनत से काम करेंगे, आप 10-12 घंटे दिन के काम करेंगे, आपको वीकेंड ऑफ मिलेगा, ऑफिस आवर के बाद आपको शायद कोई डिस्टर्ब ना करेगा, आपको मजदूरों जैसा काम नहीं कराया जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो आपको थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि
बाकी प्रोफेशंस में ऐसा नहीं होता। अगर आप सूट्स देखते हो तो आप देखते हो कि लॉयर्स कितना काम करते हैं। अगर आप ग्रेज एनाटॉमी देखते हैं तो आपको पता है कि डॉक्टर भी इनसेन आवर्स काम करते हैं। अगर आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है तो आपने देखा होगा फाइनेंशियल एनालिस्ट भी इनसेन आवर्स काम करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इनसेन आवर्स काम करना सही है गलत है, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, पर इस बात पे तैयार हो जाइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिएगा और अगर अच्छा पैसा कमाइएगा तो काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस जाकर वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हर दिन एक नया नया पैकेज खोल रहे हैं कि आज हमारे घर में ये आया, आज काजू आया, पिस्ता आया, बादाम आया, टी शर्ट आया, चप्पल आए, जूते आए, मोजे आए, स्कार्फ आया। ये सब जो मस्ती के दिन थे वो हो गए अब पूरे। चौथी भविष्यवाणी मेरी ये है कि वेब 3 इज डेड। इस पे भी मैंने बहुत जोरदार वीडियो बनाया था और काफी चप्पल जूते गाली सब खाई, ट्विटर पे खाया, इंस्टाग्राम पे खाया और यूट्यूब पे तो बहुत खाया। लोगों ने कहा कि तने को वेब 3 की समझ नहीं है। हाँ भाई नहीं समझ है, इतनी नासमझी नहीं है मेरे अंदर कि वेब 3 में समझ बढ़ाऊं। लेकिन मुझे पता था कि वेब 3 में कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई टेक नहीं है, तो उसमें मैंने आपको मना किया था करियर बनाने से। अगर आपने उसमें करियर बनाया और आपने पैसे कमाए तब तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं अगर आपने पैसे बनाए। लेकिन अगर आप उसमें फंस गए हो तो अभी निकल जाओ, अब उसमें मत घुसना। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेब 3 की फंडिंग चली गई है। जितना पिछले साल फंडिंग हुआ था उससे बहुत कम फंडिंग इस साल हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी भी हाइप टेक जो होता है उसमें कितना हाइप डब है वो देखने मिलता है। अब कौन बात करता है ट्विटर पे NFT के बारे में? अरे जो आपका सबसे बड़ा सेलिब्रिटी था मिस्टर शीशी 1008 तन्मय भट्ट जी महाराज, वो भी अब NFT और ये सब कुछ छोड़कर AI में लगे हुए हैं, AI पे वीडियोस बना रहे हैं। तीसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए कि जो एक बड़ी कंपनी मेटा जिसने बहुत सारा कमिट किया था NFT के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से NFT का सपोर्ट वो वापस खींच चुकी है। तो NFT, Web3 ये सब डेड है, इस पर ज्यादा समय मत बर्बाद कीजिए। 100 दिन है, कुछ सही सीख लीजिए। 10 predictions में से आप किस prediction में सबसे ज्यादा बिलीव करते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नहीं बताओगे तो ऐसे अच्छे वाले वीडियोस और नहीं बनाऊंगा। 5वां prediction मेरा ये है कि क्लाउड की यूज से जब कम होगी, क्लाउड से हम हाइब्रिड की तरफ बढ़ेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लाउड के बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों के AWS के बिल्स इतने आते हैं कि वो 7 जन्मों भी नहीं चुका पाए, ऐसे बहुत न्यूज आपको देखने मिल जाएंगे। और यही नहीं है, क्लाउड की प्राइसिंग, SaaS की प्राइसिंग दोनों चीजें बहुत हाई हैं। तो अब जब हम कॉस्ट कंट्रोल की तरफ सोचेंगे तो हम बहुत सारी चीजें इन हाउस करेंगे, बहुत सारे SaaS प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे और ओपन सोर्स प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, इन हाउस होस्टिंग की तरफ जाएंगे, जहां पर हमारे कॉस्ट कम हो सके। 6th प्रेडिक्शन है मेरा कि AI आ रहा है। अब आप परेशान हो जाएंगे, तने भैया भी बोल रहे हैं AI आ रहा है मतलब बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे जॉब्स खत्म। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में AI जब आएगा या जो आया है अभी, जो GitHub X Copilot X जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अगर आप उसको भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके PRs को, आपके कोड को टेस्ट करेगा, बेटर करेगा, फास्ट लिखेंगे, तो हर डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम ओवरऑल ज्यादा सॉफ्टवेयर ज्यादा फास्ट लिख पाएंगे, तो सॉफ्टवेयर की नीड जो अनफुलफिल्ड थी मार्केट में वो अब शायद फुलफिल होना शुरू होगी। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़कर AI करने लगो, क्योंकि AI इंजीनियर्स की डिमांड कम होगी, बहुत नहीं बढ़ेगी, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड जो AI APIs यूज कर सकते हैं, जो AI API से बात कर सकते हैं, उनकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। जैसे कि GitHub Copilot X जो यूज कर पाएंगे, ChatGPT जो यूज कर पाएंगे और सही से यूज कर पाएंगे, उससे अपनी कोड की क्वालिटी, अपनी इंजीनियरिंग की क्वालिटी बढ़ा पाएंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड धीरे धीरे हौले हौले बढ़ती जाएगी। देखो मैं एक बार फिर से कहता हूं कि AI से डरना नहीं है, उसे इम्ब्रेस करना है। ये जानना है कि AI आने से आपको एक नन्ना मुन्ना दोस्त मिला है जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स को और बेटर करेगा और फास्ट करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। डर कर अगर ये फील्ड छोड़ के चले जाओगे तो आपको सबसे अच्छी चीज का फायदा ही नहीं मिलेगा। 7 चीज ये है कि मोबाइल पुश बढ़ेगा। देखो 5G आया है, मोबाइल और सस्ता होते जा रहा है और पावरफुल होता जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम यूजर्स जो हैं, बहुत सारे फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स और ऐड होंगे और वो मोबाइल के थ्रू आएंगे, वो स्मार्ट टीवी के थ्रू आएंगे, और अगर एप्पल विजन प्रो चल जाता है तो फिर VR के थ्रू आएंगे। ठीक है, लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर्स फर्स्ट टाइम थोड़े कम आएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो UX पैटर्न्स आएंगे वो मोबाइल की तरफ से ज्यादा आएंगे, VR की तरफ से ज्यादा आएंगे, गेमिंग की तरफ से ज्यादा आएंगे, स्मार्ट टीवी की तरफ से ज्यादा आएंगे। अब बोलो क्या UX पैटर्न, ऐसे एक एग्जांपल देता हूं, गूगल का मटेरियल UI बना है क्या, मोबाइल के लिए, लेकिन आज गूगल के हर ऐप, हर डेस्कटॉप ऐप में वही यूज होता है, तो मोबाइल के पैटर्न्स डेस्कटॉप ऐप्स पे आ गए। पहले वेब ऐप डेस्कटॉप ऐप पे एक पैटर्न होता था जहां पर आप किसी पिक्चर पे या किसी चीज पे होवर करते थे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन रिवील की जाती थी। आप देखोगे पिछले कुछ सालों में होवर एज अ पैटर्न बिल्कुल चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि मोबाइल में आप होवर कर ही नहीं सकते, होवर तो है ही नहीं, टच है, प्रेस है, तो वो पीसेस आपको डेस्कटॉप में दिखने लगे। ऐसे नए UX पैटर्न्स भी आएंगे
जो VR के लिए हो, जो स्मार्ट टीवी के लिए हो, जो मोबाइल के लिए हो, और उनको आपको डेस्कटॉप में लगाना पड़ेगा ताकि एक यूनिवर्सल, एक सीमलेस UX आएगा। ये पुश काफी जोरदार आने वाला है अगले कुछ सालों में, स्टार्टिंग फ्रॉम 2024। इसी से मेरा अगला प्रेडिक्शन है कि रिएक्ट नेटिव बहुत थ्राइव करेगा। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि फ्लटर जो है वो थ्राइव नहीं करेगा, रिएक्ट नेटिव इज अ बेटर बेट। आज नहीं, आज से 4 साल पहले कहा था, मैं अभी भी इस पर डबल डाउन करने वाला हूँ कि रिएक्ट नेटिव बहुत थ्राइव करेगा। उसका रीजन ये है कि रिएक्ट के पीछे दो बहुत बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, और रिएक्ट नेटिव के पीछे भी ये दोनों लगी हुई है क्योंकि इन दोनों के बहुत सारे ऐप स्क्रीन रिएक्ट नेटिव में बनते हैं, और छोटी कंपनीज को भी इससे फायदा होता है। छोटी कंपनीज को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है रिएक्ट नेटिव से, काम चलाओ, और जो डेवलपर्स उनको हायर करने होते हैं, अगर वो रिएक्ट डेवलपर्स हायर करते हैं तो वो रिएक्ट नेटिव में आराम से शिफ्ट कर लेते हैं, और रिएक्ट डेवलपर्स मार्केट में अच्छे खासे हैं, हायर करना इजी है कंपेयर टू फ्लटर डेवलपर जिसमें एक पूरा नया लैंग्वेज सीखना पड़ता है, डार्ट सीखना पड़ता है आपको, वर्सेस अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो तो आप रिएक्ट आराम से पिक कर लेते हो, अगर आप रिएक्ट पिक कर लेते हो तो रिएक्ट नेटिव पिक कर लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि एक नया इकोसिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है, गूगल चाहे कितने भी पैसे फेंक ले, गूगल का खुद का कोई ऐप फ्लटर पर है ही नहीं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के बहुत सारे एप्स एंड एप्स पूरे के पूरे रिएक्ट नेटिव पे हैं। इससे रिएक्ट नेटिव को बहुत बल मिलता है। यही नहीं, जो मैंने एक और बात कही थी टीवी एप्स और VR एप्स के बारे में, इसमें भी रिएक्ट नेटिव घुसने लगा है, और यहां पर भी रिएक्ट नेटिव बेस्ड एप्स आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे। नवा प्रेडिक्शन ये है कि IoT भी ग्रो करेगा। IoT ग्रो करता जा रहा है बहुत साइलेंटली, बहुत जगह लग रहा है, और आपको IoT सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि आप एक सेंसर से कैसे इंटरफेस करते हो। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर बस एक API होती है जिसको आप Azure के थ्रू यूज कर सकते हो, AWS के थ्रू यूज कर सकते हो, सिस्टम्स बने हुए हैं। अब जब कंप्यूट पावर और AI पावर इतनी बढ़ रही है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बढ़ेगी, क्योंकि हर किसी को एक छोटा सा ब्रेन मिल जाएगा, और क्योंकि इंटरनेट इतना यूबिक्यूटस हो गया, इसका मतलब इंटरनेट क्योंकि हर जगह आसानी से उपलब्ध है, तो आपको छोटी छोटी चीजें देखने मिलेंगी, यानी कि स्मार्ट डोर्स, स्मार्ट मिरर्स, इस तरह की चीजें। अगेन, इसको भी लेके पैनिक नहीं होना है। ये चीज मैं बार बार समझाता हूँ कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ देंगे और IoT सीखना शुरू कर देंगे। IoT इज जस्ट अ लेयर अबव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आएगी वो उसके ऊपर थोड़ा सा और IoT सीख लेगा। 10th प्रेडिक्शन, सर्वरलेस और माइक्रो सर्विसेज का ट्रेंड अब कम होगा। क्यों? एक तो क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा मेंटेनेंस ढूंढते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढते हैं, दूसरे ये लोग एक स्केल पे, नेटफ्लिक्स के स्केल पे माइक्रो सर्विसेज शायद अच्छा काम करती हो, छोटी कंपनीज में इनकी कोई जरूरत नहीं होती, तीसरी इनका क्लाउड कॉस्ट बहुत हाई होता है, और मैंने पहले ही कहा कि अब लोग क्लाउड कॉस्ट पे नजर डालेंगे क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है हर कंपनी का, हर IT डिपार्टमेंट का, और लोग नहीं चाहेंगे कि ये हो। इसलिए आप देखोगे कि अमेज़न की खुद की सर्विस अमेज़न प्राइम खुद सर्वरलेस और माइक्रो सर्विसेज से दूर भाग रही है। जो कंपनी सर्वरलेस करके 5-8 साल सबका सर खाई हुई थी, उसका अपना प्रोडक्ट उससे दूर भागा है क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। हमने भी इनफैक्ट में सर्वरलेस यूज किया, ओ भाई क्या सरदर्द है। तो सबको समझ में आ रहा है कि जो विन्स है वो बहुत कम है, जो लॉसेस है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सर्वरलेस नहीं जीत पाएगा। तो सर्वरलेस और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर अगेन एक्सेप्शनल जगह पे, बहुत बड़ी जगहों पे माइक्रो सर्विसेज चलेगा, बहुत छोटी जगहों पे सर्वरलेस विन करेगा, लेकिन एनी मीडियम टू लार्ज साइज बिजनेस में ये होगा, बट मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस में ये पीसेस नहीं चलेंगी। वहां वापस से लोग थोड़ा मोनोलिथ की तरफ मूव करने लगे हैं और मूव करेंगे। देखिए, AR हो, VR हो, IoT हो, Web3 हो, मोबाइल डेवलपमेंट हो, AI हो, कुछ भी हो, इन सबके सेंटर में, इन सबके बेस पर क्या है, कहाँ है सबसे ज्यादा जॉब्स? इस ट्रेंड वाले वीडियो से आपको क्या सीखना चाहिए? सिर्फ एक चीज कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने कोर में रहेगा, उसके ऊपर ही अलग अलग लेयर्स लगेंगे, और जो भी लेयर पे आपको काम करने का मन करेगा वो आप कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ वीक्स लगाकर सीख सकते हो और उन चीजों में जॉब्स में जा सकते हो। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भैया ने कह दिया ये 10 चीजें होने वाली है तो चलो IoT पढ़ो, चलो VR करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ दो। अब तो भैया ने पहले कहा था DSA नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब DSA भी नहीं पढ़ेंगे, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी नहीं, तो बस इतनी सी पढ़ेंगे। जब भी आप कोई इतनी सी चीज पढ़ोगे आपकी लकीर क्या होगी? लंबी नहीं होगी, छोटी होगी, और इतना सा जब आप पढ़ने जाओगे तो जॉब नहीं मिलती है। तो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इतना बड़ा स्टैक बनाइए, उसके ऊपर ये छोटे छोटे स्टैक लगाइए, तब आपकी लकीर लंबी होगी और उन्हीं लंबी लकीरों पर आपको जॉब मिलता है और करियर बनता है। तो प्लीज इस ट्रेंड के वीडियो को गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा अपने करियर को खराब करने के लिए। मजा आया, कुछ सीखने मिला, सोचने मिला, तो क्यों नहीं हम इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब क्यों नहीं करें? तभी तो मुझे पता चलेगा कि ऐसे वीडियोस और बनाने हैं।